प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 10 वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाली हत्यारिन मां को प्रेमी सहित गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात श्रीराम अर्ज ने रिजर्व पुलिस लाइन में घटना का खुलासा किया। पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर इलाके के गांव जाफरपुर कोर्ट का है, जहां पर 17 जनवरी को 10 वर्षीय बच्चे का ईख के खेत में शव मिला था। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आला अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के निर्देशन पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी। विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आया कि मृतक बच्चे की मां ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी। 20 जनवरी को थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नन्ही व अभियुक्त टिंकू सैनी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उन दोनों का पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चोरी छिपे एक दूसरे से मिला करते थे। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 16 जनवरी को जब उसका पति ओमपाल सिंह किसी कार्य से घर से बाहर गया था, परिवार के अन्य सदस्य भी गांव में कुआं पूजन कार्यक्रम में गए थे। इसी दौरान टिंकू सैनी उससे मिलने उसके घर आ गया, जहां पर वरुण द्वारा उसे टिंकू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया गया था। वरुण इस बात को लेकर कहीं किसी को बता न दे, समाज में बदनामी के डर से उन दोनों ने वरुण की गला घोटकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसका शव ले जाकर गन्ने के खेत में डाल दिया। पकड़े गए अभियुक्तों की पुलिस जेल भेजने की तैयारी में लगी है। थाना चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत जाफरपुर कोट गाँव में 16/1/2023 को एक वरुण नामक 10 वर्षीय बच्चा जो है वो गांव में ही एक कुआँ पूजन का कार्यक्रम था जिसमें गया था और वापस नहीं आया। इनके परिजनों ने काफ़ी तलाश किया और तलाश करने के बाद भी जब ये नहीं मिला तो थाने को सूचना दी गई। थाने द्वारा तत्काल इनके जो FIR थी उस पर इनके मामा के द्वारा, बच्चे के मामा जो उमेश कुमार हैं उनके द्वारा यह तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर मुकदमा 363 IPC का दर्ज किया और बच्चे की तलाश के लिए टीमें लगा दिया। काफ़ी तलाश किया गया, बच्चा नहीं मिला। नेक्स्ट डे फिर तलाश उसकी जारी रही और सायंकाल 17 तारीख को बच्चा जो है वो एक गांव के पास ही गन्ने के खेत में मिला। पुलिस द्वारा उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से उसका जो मृत्यु का कारण आया उसमें गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला आया। तत्काल पुलिस द्वारा इसमें जो मुकदमा पंजीकृत था उसमें 302/201 IPC वृद्धि की गई और घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी। घटना द्वारा अथक प्रयास करके डॉग स्क्वाड की मदद से इस घटना का सफल अनावरण किया और 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए, एक नन्ही पत्नी ओमपाल सिंह जो बच्चे की माँ है और टिंकू सैनी जो उसी का पड़ोस का है। पूछताछ पर ये आया, तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो बच्चे की माँ है उसका और टिंकू सैनी का प्रेम प्रसंग करीब 2.5 साल से चल रहा था। उस दिन भी जो है 16 तारीख को ये टिंकू इनके घर पे आया हुआ था और आपत्तिजनक स्थिति में था। बच्चा उसी समय पहुँच गया, उसने देख लिया और उसने कहा कि हम इसको पापा से बता देंगे। इसी डर से कि ये लोक लाज की डर से कि ये लोगों को जानकारी हो जाएगी और हमारी काफ़ी इसमें बेइज्जती होगी, इन दोनों ने जो है बच्चे का गला दबा करके उसकी हत्या कर दिए और शव को जो है वो पास में ही गांव के पास ही गन्ने के खेत में डाल दिया। तो इस तरह से जो है इसमें गहन पतारसी सुराग रसी एवं डाक स्क्वाड की मदद से पुलिस को जो है एक ब्लाइंड केस जो था और एक सेंसेशनल केस कहिए इसको, चूँकि ये 10 वर्षीय बच्चा था, उसकी हत्या हुई थी और हत्या करके शव को गन्ने के खेत में डाला गया था, इसका सफल अनावरण किया और दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं, नन्ही पत्नी ओमपाल सिंह टिंकू सैनी, इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें अन्य